आशीनी जी, आप बिल्कुल मत घबराइए। आप पुलिस जी को सब कुछ सच बता दीजिए कि कैसे बड़े कुआसा ने आपको भूखे भेड़ियों के बीच सौंप दिया था। राशि, मुझे माफ कर दो, मैं नशे में था। आइंदा से ऐसी ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। अगर फिर भी लगता है मैं गुनेगार हूं तो कोई बात नहीं, तुम मुझे मारो, मारो मुझे राशि, मारो, मारो ना, मारो मुझे राशि, मारो, मारो। भाभी सा, भाभी सा नहीं, भाभी सा, गलती और गुनाह में फर्क होता है। जब कोई भी रिश्ता अपने स्वाभिमान को कुचलने लगे तो उसकी सारी मर्यादा खत्म हो जाती है। भाभी सा, इन्हें सजा मिलनी चाहिए, इन्हें माफ मत कीजिएगा भाभी सा, प्लीज। जी सा, रोक लीजिए जयबाना को, वो सिर्फ आपकी बात सुनते हैं। ईसा, अगर आज मारा बेटा जेल गया ना, तो आपका भी सच मैं सबके सामने ले आऊंगी। जय, पुलिस को वापस जाने पर देख, घर का मामला है, आपस में मिल बैठ के सुलझा लेंगे। मासा ऐसे छोड़ नहीं सकते। जय, हमारी बात समझने की कोशिश कर। कई दफा आदमी के अंदर दबा हुआ जो गुस्सा है वो बड़ा तूफान बनकर औरत पर निकल जावे। इसमें अचंभे वाली कोई बात ना है जय, थारे से भी तो हुई है ना जय गलती, तूने भी तो कई दफा अपना गुस्सा इस दहेज दासी पर निकाला है। फर्क बस इतना है किसका तरीका कुछ अलग था, पर चाहे जो भी हो जाए, अपने खानदान की बेटी की इज्जत भरे बाजार में उछलने ना दूंगी मैं। जाने बोल पुलिस को। इंस्पेक्टर साहब, आज इस घर से एक नहीं बल्कि दो दो गिरफ्तारियां होंगी, एक सरांज भाई साहब की और दूसरी मेरी। क्या बोल रहा है तुझे, होश में तो है? होश में तो अब आया हूं मासा, थैंक यू, थैंक यू मुझे मेरी गलती महसूस कराने के लिए, मुझे आईना दिखाने के लिए कि मुझ में और सरांज भाई साहब में कोई फर्क नहीं है। हीरो ने अपनी पत्नी के साथ अत्याचार किया तो मैंने भी एक औरत की इज्जत नहीं की, गुस्से में उसके साथ अपमान करता रहा। अब जब अपराध एक जैसा है तो सजा भी तो दोनों को एक जैसी मिलनी चाहिए ना। इंस्पेक्टर साहब, लगाइए हथकड़ी। नहीं, नहीं कौर, मैं आपको ये नहीं करने दे सकती। चंद्री, दासी हो तुम, मैं हुक्म बन के तुम्हें आदेश दे रहा हूं, तुम इसके बीच में नहीं आओगी। मुझे जाने दो प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, नहीं, राशि,
बिल्कुल अच्छा ना किया था इच्छा से। एक माँ से उसके बेटे को दूर करने की जुर्रत की है तारे। आज तारे को सजा तो जरूर मिलेगी। मुझे अभी थाने जाकर कोर्सक को छुड़ाने की कोशिश करनी होगी। वैसे फोन तो कर दिया है मैंने उनकी मदद के लिए, पर कोर्सक जिद्दी है। उन्होंने जानबूझकर अपने आप को सजा दी है। उन्होंने कुछ भी करके घर लाना होगा। मासा, तू ठीक तो है ना जय? मासा, आप ये क्या करने जा रही थी? आप चुनरी को मारने जा रही थी? आपको इसका शुक्रिया अदा करना चाहिए मासा। दुर्गा देवी को फोन करके इसी ने मेरी बेल करवाई है। तो चल अठे से, थारे से कुछ जरूरी बात करनी है जो एक नौकर के सामने ना कर सको। चुनरी, थैंक यू। चल चुनरी, थैंक यू। हाँ हाँ, जय की तो जमानत होनी ही थी ना, उसके ऊपर चार चार हाथ जो है, और एक बेचारा मारा छोरा है जो अभी भी अनाथ की तरह जेल में पड़ा हुआ है, जिसकी किसी को फिक्र ही ना है। थोड़ी जो पीली है, लगता है ये फिर से बोतल गटका के आ गई। हमारी मातेश्वरी, अब यही दिन देखना रह गया था। उधर बेटा जेल में बैठकर खानदान की नाक कटवा रहे हैं, और यहाँ आप मूंछ कटवा के आ गए। जब तक मैं हूँ, मेरे दामाद को किसी के सहारे की जरूरत नहीं। खंबा कनीसा, आपका ये उपकार ना मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। पापा अनुषा, कल सुबह मैंने पंडित जी को बुलवाया है, और माताजी महाराज के सामने कल हम विधि विधान के साथ अनुषा और सारंश का विवाह करवाएंगे। अनुषा, तुमने हमेशा अपनी मनमानी की, मेरे अगेंस्ट जाकर सारंश से शादी कर ली, पर क्योंकि तुम मेरी इकलौती बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हारी ये मनमानी भी मान लेता हूँ। ये बात आपने बिल्कुल सही कही भाई साहब। अब शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़िया का खेल थोड़ी ना है, ये तो पूरे विधि विधान से, रीति रिवाज से होना चाहिए, है ना? जी बिल्कुल। भाई, गुड्डा गुड्डी, दीदी ऐसा क्या जादू कर दिया चुनरी ने आप पर, जो आपको घर परिवार यहां तक कि मासा तक याद नहीं? और चुनरी, जैसे आप पहली बार मिली, मिलकर इतना अपना बना लिया, तब ऐसा लगने लगता है कि कहीं मैंने ही तो गलती नहीं कर दी। चुनरी को समझना है। मैं थैंक यू माता जी महाराज, बहुत बहुत थैंक यू आपका। कुर्सा ने मारे बारे में सोचा तो सही, कुंवरसा की नफरत ने पिघलना शुरू कर दिया है, मारी पीत का रंग इन पर चढ़ने लगा है। भैरदासी, ए दहेजदासी, जल्दी से अठे आ।
जी हुकुम। छे होटो ये मारी मासा है हुकुम। तारी मासा? हाँ, ये एक ही फोटो है उनकी। कुंवरसा ने फ्रेमिंग करा के गिफ्टिंग की है। मैंने अपनी मासा को खोया है। मैं जानू कि एक माँ के खोने का दर्द का ही हो गया, इसीलिए माता जी महाराज से भी बस एक ही प्रार्थना की है मैंने कि आप और कुंवरसा कभी दूर ना हो। आप माँ बेटे हमेशा एक दूसरे के साथ रहो। कुछ काम था हुकुम सर? हाँ, वो चाय के वास्ते पानी लेकर आ। जी। मीरा रख इसे, जब देखो यही काम करती रहती है। चलना गांव में ना नया सिनेमा लगा है, जाकर देखते हैं, बड़ा मजा आएगा। चल। ना ना, बाबा से डांट थोड़ी ना खानी है मन ने। बाबा से कहवे जो भी मौज मस्ती करनी है ब्याह के बाद अपने बिन के साथ करना, और अभी तो घर के सारे काम पर सीखने का टाइम है ना। फिर तो और चलना चाहिए। क्या है ना, पर उसके चार गांव के छह छबीले लड़के भी आने वाले हैं। किसी से नजर अगर लड़ गई ना, थारा ब्याह तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा। मारा बिन मैं थोड़ी ना पसंद करूंगी, ये तो बाबा सा का काम है। थारे बाबा सा जो है किसी के संग भी थारी चुनरी बांध देंगे, पर देख लेना रही मारी बात, मैं तो अपना राजकुमार खुद ही ढूंढूंगी, और वो अपनी हवेली में मारे को रानी बनाकर रखेगा। मैं तो राज करूंगी, राज। मारा सपना तो पूरा हो गया था, पर मेरा तो दहेज दासी बन गई थी, और एक दहेज दासी होने के नाते मेरा का ना कोई ससुराल था ना ही कोई भीत। एक दहेज दासी का ऐसा कोई रिश्ता ना होवे तो फिर चुनरी कैसे पैदा हुई? कौन है चुनरी का बाप? किसका खून है ये दहेज दासी? ये क्या तरीका हुआ? ऐसे कौन हेल्प करता है? अरे तो क्या इसी में फंसे रहना था? मैंने आपकी मदद की है, और आप थांकू बोलने की जगह मारे कोई? फिर तो बटन खोल देती ना, सारे के सारे बटन टूट गए, दूसरा पहनना पड़ेगा। सुनैना दीदी का फेवरेट कुर्ता था ये। तो आप पहने रहिए, बटन ही तो लगाना है, मैं लगा देती हूँ। नो थैंक यू, मैं मैनेज कर लूंगा। इतने जिद्दी क्यों हूँ आप कुंवर साहब? दासी हूँ तो क्या हुआ, बटन लगाने गए तो काम है, अब इसके लिए भी क्या डिग्री लानी पड़ेगी? लाइए, मैंने दीजिए। मैं लगा लूंगा। पहले कभी सुविधा का पकड़ा है हाथ में? पुराना कोई एक्सप्रेशन है? पहली बात, एक्सप्रेशन नहीं होता, एक्सपीरियंस होता है। और दूसरी बात, तलवार पकड़ा हाथ में, ये सुई क्या चीज है? लगा लूंगा। तलवार का काम सुई और सुई का काम तलवार नहीं कर सकते। तलवार से बटन ना लागे कौन सा? आइए। मारो अंबर तू परवाज भी तू, मारो राग भी तू आवाज भी तू।
मारो अंबर तू परवाज भी तू मारो राग भी तू आवाज भी तू मैं मोर पंख तू किताब भी या मैं मोर पंख तू किताब भी या मारी रात घनी तू चांद भी या ओ थारी प्रीतने हो थारी प्रीतने मन मोहलिया रे थारी प्रीतने हो थारी प्रीतने हो थारी प्रीतने मन मोहलिया रे थारी प्रीतने हो गया हाँ थैंक यू चुनरी तुमने आज जो कुछ भी किया राशि भाभी सा के लिए माँ सा के लिए उसके लिए थैंक यू बदले में तुम्हें कुछ भी मांगना है तो तुम मांग सकती हो कोई ऐसा नहीं रखना चाहता मैं जरूर मांगूंगी और तब पीछे मत हटिएगा गुरावत हूँ वचन दे के पीछे नहीं हटता माफी हुकुम अंधी है क्या दिखाई नहीं देता तुम लोग ये जानबूझकर करते हो ताकि मालिकों का दिमाग खराब हो जाए माफ कर दीजिए हुकुम आप जाइए मैं ये सब साफ कर देती हूँ हमारी मासा की फोटो अनुषा के बाबा सा के पास कैसे लाओ जल्दी दो हुकुम ये फोटो ये तो अनुषा की मासा की फोटो है क्यों तुझे कोई प्रॉब्लम है ले फिर से देख 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 फिर से ये तो दूसरी फोटो है मने क्यों लगा कि मैंने मेरी मासा की फोटो देखी हराम हुआ है तुझे बिना सोचे समझे कोई भी बात मत किया कर दासी है अपनी औकात में रह कर सच में मैंने हमारी मासा की फोटो देखी और हमारे मासा की फोटो अनुषा के बाबा से के पास कैसे आ सके शायद मैं ही मासा के बारे में इतना सोच रही थी कि मैंने भ्रम हो गया भाभी साहब आपने मुझे बुलाया जी अरविंद देवर जी आपको हमारा एक जरूरी काम करना है हुकुम आप आज के आज ही उस दहेज दासी के गांव जाएंगे और उसके परिवार की सारी कुंडली खोद निकालेंगे जहां तक मने पता है चुनरी एक दहेज दासी की बेटी है पता कीजिए कि उसकी माँ किस ठाकुर के वहां दहेज दासी बनकर गई थी और ये भी बता कीजिए कि चुनरी के रगों में किसका गंदा खून दौड़ रहा है हो जाएगा भाभी साहब एक मिनट अरविंद देवर जी आपकी इज्जत हमारी जूती पर आ गई है
उठा लीजिए। अगर हमारी बात मानी होती ना तो आज आपके मोछे और इज्जत दोनों आपका साथ देती। अब जाइए अठे से। अब शायद उस दहेज दासी का अतीत ही उसे हमारे बेटे की जिंदगी से दूर फेंकने में हमारी मदद करेगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.